पर कोरबा से है शुरुआती खबर। कोरबा से बीजेपी की प्रत्याशी सरोज पांडे को नोटिस जारी किया गया है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने यह शिकायत की थी कि चिरमिरी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो 26 अप्रैल को आयोजन हुआ था हनुमंत कथा का, वहां ये शामिल हुई। सुजीत शाह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, नोटिस जारी किया गया, क्या कुछ ये नोटिस कह रहा है, विस्तार से बताएं जरा। जी देखिए, बता दूं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के द्वारा शिकायत की गई थी 26 अप्रैल के समय में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चिरमिरी में आगमन हुआ था, हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर पंडित के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि आयोजक कर्ता जो कि श्याम बेर जायसवाल और सरोज पांडे जो कि लोकसभा प्रत्याशी, उनका नाम जिक्र किया था, जिसके वीडियो के आधार पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की, जिसके आधार पर उन्होंने नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। जी धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जांजगीर चांपा में सीएम साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ ठगने का काम किया। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, 36 वादे किए गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, भ्रष्टाचार किया गया, कोयला शराब रेट डीएमएफ में भ्रष्टाचार, गौठान में गोबर घोटाला। अब कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, जनता का विश्वास खो चुकी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे पूरे देश में हो। आज उनकी पार्टी में बिखराव हो गया है। हमको लगता है छत्तीसगढ़ में ही अभी 25,000 से ज़्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके हैं और यही हाल पूरे देश में है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आज कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। काहे कि वो लोग देख रहे हैं कि ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और कभी भी ये डूब सकता है। इधर कोरबा में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ये चुनाव बदलाव का चुनाव बन गया है, हवा भाजपा के पक्ष में नहीं है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग ऊब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर चुनाव हो गया है और छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 जगह मत पड़ गए हैं। मेरा फीडबैक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त लेके आगे निकल चुकी है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उठ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और 10 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। इधर कोरबा में सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने भी प्रचार किया। वो पाली तानाखार विधानसभा के घनी पखना गांव पहुंची, आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात की, सरोज पांडे के लिए वोट मांगे, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कोरबा 5 साल में विकास में पिछड़ गया है। कर रहे हो आप पूरे समय से जनता के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी नाराजगी कि मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरा काम नहीं हुआ, इन सब पिछली बातों को भुला करके आप लोग सिर्फ सबके लिए चल करो, क्योंकि पिछले सरकार में आपने यही कमी को आपने कर दिखाया है कि हमको रमन सरकार ने कुछ गलती करी, कुछ ऐसा करा और हमने दूसरा सरकार चयन कर लिया, लेकिन आपने दूसरा तो करा लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या आया, उसका हमको मिला क्या फल? मिला ये कि हम 5 साल बिल्कुल पीछे चले गए, 10 साल पीछे लौट गए हैं। तो बिल्कुल मैं विनती कर रही हूँ आप सबसे, अब मैं अपनी भाषा में बोलूँ, अपने हृदय से बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से चयन करें, आँख खोल करके बिल्कुल मनन करके इस पर बीजेपी को लाइए, क्योंकि वो सरकार आप सबके हित के लिए है। इधर राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ता, 5 कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल पूरा मामला विवाद और मारपीट से जुड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के बाहर विवाद हुआ, विवाद मारपीट में बदल गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घटना के दौरान मौजूद थे। टेढ़े सरा गांव के सोमनी थाने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने घनघोर और अति सक्रियता दिखाते हुए 5 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारपीट में शामिल थे।
इधर दुर्ग और बलरामपुर में कांग्रेस को झटका लगा है। दुर्ग में तकरीबन 250 कांग्रेसी बीजेपी वाले हो गए। सांसद विजय बघेल ने सभी का स्वागत किया। विजय बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बिखराव है, बीजेपी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। बलरामपुर में कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। दीपक बैज की जनसभा के ठीक बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मंत्री रामविचार नेताम और चिंतामणि महाराज ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इधर जांजगीर चांपा में भी सीएम साई की मौजूदगी में कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। महादेव ऐप केस में जगदलपुर से गिरफ्तार अभिनेता साहिल खान को मुंबई कोर्ट ने 1 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेंगे, पूछताछ उनसे की जाएगी। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार किया था, फिर मेडिकल उनका करवाया गया मुंबई में, फिर कोर्ट में पेश किया गया। साहिल को मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टा केस में आरोपी बनाया है। सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऐप के प्रमोशन का आरोप है और जगदलपुर से साहिल की गिरफ्तारी हुई थी। पूरा कॉपरेट किया है, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है, उसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन ये बोल रही है तो वो रिकॉर्ड पे ऑलरेडी कोर्ट के सामने है। कोर्ट के सामने 2000 सिम कार्ड और 1700 बैंक अकाउंट का जिक्र किया, वो क्या सिम कार्ड की बात? एक भी सिम कार्ड नाम पर नहीं है और कोई भी अकाउंट हमारे उसमें नहीं है, जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में भी डिस्क्लोज कर दिया। कुछ भी रोल नहीं बताया गया, नॉट अ सिंगल लाइन एलिगेशन इज देयर इन द एफआईआर और वी हैव ऑलरेडी सरेंडर द पासपोर्ट। इन्फ्लुएंसर की आपने बात कही थी, इन्फ्लुएंसर अभी बीइंग अ इन्फ्लुएंसर एंड बीइंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी वो इंडोर्स करते हैं, वही उन्होंने इंडोर्स किया है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं किया है। और वो महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेता और मॉडल साहिल खान को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया और उसे आज मुंबई लाया। उसके बाद साहिल खान का मेडिकल कराया गया है और उसे अब अदालत में पेश कर उसकी कस्टडी मांगी जाएगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक साहिल खान के ऊपर आरोप है 2 बेटिंग ऐप चलाने का और उसे प्रमोट करने का। खान द लायन बुक और साथ ही साथ लोटस बुक, ये 2 ऐसे बेटिंग ऐप थे जिसमें साहिल खान प्रमोशन भी किया करते थे और इन लीगली बेटिंग भी लगवाया किया करते थे। लोटस बुक खास तौर पर पे साहिल खान का माना जा रहा है और उनके संपर्क के कितने लोग थे इसकी भी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि साहिल खान को छत्तीसगढ़ से अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसे आज मुंबई लाया गया है और साथ ही साथ ये जो दोनों बुक चलाते थे और प्रमोट करते थे साहिल खान, खान द लायन बुक और साथ ही साथ लोटस बुक, ये महादेव बेटिंग ऐप का ही एक नेटवर्क माना जा रहा है। और इसी मामले को लेकर के पिछले दिनों मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था जिसमें 32 नामों का जिक्र था। साहिल खान का भी नाम इसी एफआईआर में दाखिल किया गया था। 15,000 करोड़ मामले का घोटाला ये माना जा रहा है और इसी को लेकर के साहिल खान की अब गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले की जांच आगे क्या क्या अहम खुलासे सामने लाती है और क्या साहिल खान के साथ साथ और भी कई बड़े चेहरे मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। और महादेव सट्टा ऐप को लेकर सियासत भी गर्म है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय ही बीजेपी को यह ऐप याद आता है। अगर यह घोटाला है तो बीजेपी सरकार ने इसे बंद क्यों नहीं किया? दीपक बैज ने पूछा है कि क्या बीजेपी को इस ऐप से चुनावी चंदा नहीं आ रहा? देखिए, ये सिर्फ चुनाव समय ही भारतीय जनता पार्टी को याद आता है। अगर महादेव सट्टा ऐप अगर घोटाला है तो महादेव सट्टा ऐप सरकार ने बंद क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्या महादेव सट्टा ऐप से भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनावी चंदा तो नहीं आ रहा है? आखिर बंद क्यों नहीं की? हिम्मत है तो बंद करे महादेव सट्टा ऐप। चुनावी लाभ के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। और महादेव सट्टा ऐप पर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया कि लगातार कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि बैज अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। अब जब महादेव ऐप पर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। दीपक बैज जी
अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी में भगदड़ लगातार मची हुई है। दीपक बैज जी अपनी पार्टी संभाल लें और जो हमारी सरकार को करना है वो कार्यवाहियां लगातार हो रही है और कार्यवाहियों के कारण दर्द भी हो लोगों को हो रहा है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है और मजबूत और ठोस कार्यवाही कर रही है। खबर बिलासपुर से, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। ये किसान खेत की रखवाली कर रहा था और तभी बिजली की चपेट में आ गया, आसमानी बिजली की चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। पूरा मामला मल्हार चौकी इलाके का है। और अब आपको दिखाएंगे सूरजपुर की तस्वीरें, जहां टोल गेट तोड़कर एक पिकअप ड्राइवर फरार हो गया। अवैध गतिविधि या किसी घटना को अंजाम देकर भागने की आशंका जताई जा रही है। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। पचीरा स्थित टोल प्लाजा की यह घटना बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। इधर बीजापुर में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सर्चिंग के दौरान जवानों को यह कामयाबी मिली है। फुल्लोड़ जयगुर के जंगल से गिरफ्तारी हुई है और नक्सली बैनर पोस्टर भी बरामद हुआ है। नारायणपुर पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है जो आईईडी ब्लास्ट के मामले में वांटेड था। छोटे डोंगर थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई। महादेव इसका नाम है और जवानों ने घेराबंदी कर नक्सली महादेव को पकड़ा है। खबर सूरजपुर से, जहां चोरों ने कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। यहां के तहसील कार्यालय परिसर में बने फैमिली कोर्ट में हाथ साफ कर दिए। ये थाने से, ये जो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट जिसे बोलते हैं, थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है और इस तरह फैमिली कोर्ट में हुई चोरी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। इधर बलरामपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, 3 घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के इंदरपुर गांव का यह पूरा मामला है।